हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर वर गोज, व्हाट इज़ कमिंग फॉर जुलाई फर्स्ट हाफ। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट्स सी वर्गोज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू जुलाई फर्स्ट हाफ। ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स। लाइफ एक्सपीरियंस, लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम्स दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू। एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज, नंबर 16। वी हैव स्ट्रेंथ, नंबर 11। द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, द पावर ऑफ काइंडनेस, फॉरगिवनेस, टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। आई डेफिनेटली सी वर्गोज़, यहाँ पे देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ लेटिंग गो। आप यू नो, आप किसी चीज़ का हल निकाल रहे हो, या आप किसी, लाइक आई एम हियरिंग, आप किसी ताले का चाबी ढूंढ रहे हो, एंड फाइनली आपको जुलाई फर्स्ट हाफ में वो चाबी मिल रहा है, वो सोल्यूशन, वो यू नो ओवरकम करने के लिए जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी है आपके लिए पाना, चाहे वो किसी चीज़ का एडवाइस हो, सोल्यूशन हो, पैसे हो, आइडिया हो, किसी का हेल्प हो, वॉट एवर दिस इज़, लाइक कुछ तो है जो आप ढूंढ रहे हो, कुछ तो है जो आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में ये चीज़ मिसिंग है, काश मेरे लाइफ में ये चीज़ होता तो मेरा ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाता, या तो मेरा ये प्रॉब्लम मुझे इतना ज़्यादा यू नो लाइक पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं देता लाइफ में। सो आई एम सीइंग दैट देयर इज़ समथिंग जो आप सॉल्व कर रहे हो, यू नो एक पज़ल जो फाइनली आप सॉल्व कर रहे हो, कोई चीज़ से आप फाइनली निकल रहे हो, एंड साथ साथ देयर इज़ दिस एनर्जी कि आप लेट गो कर रहे हो किसी चीज़ को, क्योंकि आपको लग रहा है आगे आप लाइफ में जो चीज़ें करने वाले हो, या आपने जो ठान लिया है, या आप जो रास्ता चुनना चाहते हो, आप अपने आप को आज से एक साल बाद, पाँच साल बाद जहाँ पर देखना चाहते हो, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो आप साथ में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ये चीज़ें बर्डन है, ये चीज़ें आपको नीचे पुल करता है, या आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता है, एंड आप लिटरली उन चीज़ों को काइंड ऑफ फाइनली लेट गो कर पा रहे हो। आप फाइनली इस रियलाइजेशन को सीरियसली ले रहे हो दैट यू नो प्रैक्टिकलिटी इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। जिन लोगों को, जिन चीज़ों को, जिन रिश्तों को आप, आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये रिश्ते, ये लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, या ये लोग मुझे ये लोग कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, कभी नहीं सुधरेंगे, आप उन चीज़ों को या उन लोगों को काइंड ऑफ वहीं पे रख के आगे बढ़ रहे हो। बिकॉज आई सी आपके लाइफ में देर इज़ टावर मोमेंट नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसे नेगेटिव या कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस मूवमेंट नहीं है, बट एक रियलाइजेशन जो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देख सकते हो, क्योंकि ये रियलाइजेशन आपके लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे रहा है। आप एक अलग माइंडसेट बना रहे हो, एंड आप उस माइंडसेट को फॉलो कर रहे हो। अभी तक इस साल में इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स आर ओवर, इन 6 महीनों में आपने एक माइंडसेट लेके आप चल रहे थे, आप कुछ काम कर रहे थे, आप व्हाटएवर आप कर रहे थे, बट अभी का जो माइंडसेट है वो आपका चेंज हो रहा है। ओके, ऑल्सो आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ, आपको ऐसा महसूस हो सकता है दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल जो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ लोग आपके ऊपर लाइक लिटरली को डिपेंडेंट है, ये लोग आपके भरोसे बैठे हैं, या आप आई एम सीइंग दैट आप उस मदरली एनर्जी में हो,
यू नो नर्चरिंग एनर्जी, एंड इट डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, वो मदरली नर्चरिंग एनर्जी काइंड ऑफ, आप चीज़ों को समेट रहे हो, आप चीज़ों को पाल रहे हो, आप चीज़ों को बना रहे हो, यू नो जहाँ पे लाइफ ने आपको इतना सारा दिक्कत दिया है, लाइफ ने आपके लाइक बहुत सी चीज़ों को आपके ज़िंदगी में बिखर गया है, बहुत सी चीज़ें आपको लगता है, एंड आप ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बल्कि आप चीज़ों को समेटने में लगे हो, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आप पास्ट को नहीं देखना चाहते, आप नेगेटिव पे फोकस नहीं करना चाहते, आप पॉजिटिव को देखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है इस टाइम पे सल्यूशन ढूंढना ज़्यादा नेसेसरी है, इस टाइम पे प्रॉब्लम को ओवरकम करना ज़्यादा नेसेसरी है। ये बैठ के सोचने में कुछ नहीं रखा है कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, या अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो सकता था, ये सब सोच के टाइम वेस्ट मत कीजिए अगर आप कर रहे तो। देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके सराउंडिंग में रहेंगे एंड जो काइंड ऑफ फाइनली ये रियलाइज़ करेंगे दैट आप काइंड ऑफ उनके सेवियर हो, या आप कितने लाइक उन लोगों को सपोर्ट किए हो, या बेसिकली अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है एंड ये पर्सन या ये लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल थे उस चीज़ को लेकर पास्ट में, सो नाउ दे आर फाइनली बिकमिंग लाइक ग्रेटफुल, या एटलीस्ट ये लोग ये समझ रहे हैं दैट उन लोगों ने जो आपके ऊपर इतना ज़्यादा लाइक प्रेशर डाला है या इतना ज़्यादा आपको यू नो सताया है, इट वॉज नॉट वर्थ इट। यू नो आप कभी भी उन लोगों के लाइफ में विलेन नहीं थे, ठीक है, आप कभी भी उन लोगों का कुछ ख़राब नहीं किए हो, सो ऐसा भी हो सकता है कि फाइनली आप कुछ प्रूव कर पा रहे हो, आपके पास कोई ऐसा प्रूव है, कुछ ऐसा यू नो लाइक प्रॉपर चीज़ है जिसके वजह से फाइनली लोग समझ पा रहे कि गलती इन लोगों की थी आपकी नहीं, जो लोग अभी तक आपको गलत मांग रहे थे। सो फॉर सम ऑफ यू अगर ये कोई कोर्ट केस वगैरह का सीन है तो वहाँ पर भी आई एम सीइंग दैट आप अगर निर्दोष है तो वो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स इज सेइंग कि कुछ ऐसा सबूत लोगों को मिलेगा, कुछ ऐसा प्रूफ होगा कि आप निर्दोष है, या आप ये लोग जो आपको इतना सताते हैं, या ये लोग इतना ज़्यादा जो दूरियां बनाकर चल रहे थे, या वॉट एवर इंज़ाम लगाया था आपके ऊपर, ये सच नहीं था। एंड कुछ लोग इसके लिए शर्मिंदा है, कुछ लोग इसके लिए लिटरली आके माफ़ी मांग सकते हैं, कुछ लोग अगर माफ़ी नहीं भी मांगे तो ये एटलीस्ट ये रियलाइजेशन करेंगे दैट यू नो आप कभी विलेन नहीं थे, या इतने लाइक ख़राब जो इन लोगों ने आपके साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन बिकॉज आई एम सीइंग दैट आपको बहुत से लोगों को फॉरगिव करना है, आप काइंड ऑफ लोगों को फॉरगिव इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि आप फाइनली उस एनर्जी में हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोई लाइक कुछ लेना देना ही नहीं है, तो मैं क्यों गुस्सा, रिजेंटमेंट, ग्रज ये सब अपने अंदर लेके चलूं इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग मेरे ज़िंदगी का अब और हिस्सा नहीं है, या ये लोग मेरे ज़िंदगी में अब इतने भी मैटर नहीं करते हैं, सो लेट देम गो, यू नो ठीक है तुमने माफ़ी मांगा मैंने माफ़ कर दिया, बस दैट्स इट, इसके बाद और कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनली मुझे अपना वैल्यू समझ में आया और मैं अपने आप को चूज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड अब मैं आगे बढ़ूँगा एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ूँगा, एंड उसमें मुझे कोई अपना लाइक यू नो ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे लाइफ में ड्रामा करते हैं, या जो अभी तक मुझे यू नो प्रॉब्लम्स में डालते आए हैं। सो यू आर द सेवियर, लाइक यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि इस वक्त यूनिवर्स आपके द्वारा कुछ लोगों का हेल्प कर रहे हैं जो शायद आपको भी नहीं पता, या पता भी होगा शायद, आई डोंट नो, लाइक आपके थ्रू आप एक मीडियम हो इस वक्त यूनिवर्स के लिए, जो यूनिवर्स कुछ लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करेंगे तो वो आपको भेज रहे हैं उन लोगों के पास एज अ मीडियम कि आपके द्वारा कुछ हेल्प उन लोग तक पहुँच सके। सो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना भी नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्स ही करेंगे। तो अगर कोई भी ऐसा मौका आपको मिले जहाँ पे आप किसी का हेल्प कर सकते हो, किसी यू नो किसी भी पर्सन का जान पहचान में, या स्ट्रेंजर, या फिर कोई एनिमल जो आपको बाहर दिख गया जिसे आप थोड़ा खाना दे दिए, शेल्टर दे दिए, वॉट एवर इट इज़, यू नो अगर आपके बेसिकली अगर आपको लगा कि किसी भी सिचुएशन में आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरे लिए ऐसा कोई लाइक संभव नहीं है मेरे लिए ऐसा कुछ करना, तो मत करो क्योंकि यूनिवर्स खुद ही करवा लेंगे।
सो इट्स जस्ट अ मैसेज दैट दिस इज़ अ टाइम टू बी मेंटली स्टेबल इन द सेंस कि इस वक्त वर्गोज मुझे जो दिख रहा है कि आप इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो लोगों के द्वारा. कोई आपको आके कुछ भी कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, एडवाइस दे ना दे, आपको उतना भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज़ आपका माइंड, आपका एनर्जी बहुत काम एंड क्वाइट एंड स्टेबल है. आपको पता है आप कौन से रास्ते में हो, आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, आपको पता है कि आप कौन हो, आप खुद की वैल्यू आप जानते हो. सो अब आपको उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं आसपास, क्या हो रहा है, क्या प्रेशर है, क्या प्रॉब्लम है, वॉट एवर, बिकॉज़ यू आर इन योर ओन स्पेस. आप अपनी दुनिया में हो, आप अपनी जगह पर सही हो, आप अपने अपने आप के साथ हो, तो आपको किसी भी चीज़ का उतना भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कुछ इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं हो रहा है, विच इज़ अ गुड एनर्जी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपको कोई मैनिपुलेट करते हैं या आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. इस टाइम पे ये पर्सन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ही एक अलग लेवल पे है. तो ये लोग आए चाहे मैनिपुलेट करे, चाहे इन्फ्लुएंस करे, चाहे कुछ भी कहे बोले, पर आपको उतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा या आप अपनी जगह से नहीं हिलने वाले हो इतने आसानी से. आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग हेडेड एनर्जी में हो जो आपको हेल्प करेगा काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में, चैलेंजेस को ओवरकम करने में, अपना स्टेबिलिटी खुद बनाने में, विच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी. लेट अस सी व्हाट इज़ द टैरो सेइंग फॉर यू. वी हैव यस द मैजिशियन, वी हैव द थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या फोर ऑफ वॉन्ड्स. देखिए, करियर में आई सी समथिंग न्यू हैपनिंग, या न्यू भी नहीं, कुछ कुछ दरवाजे आपके सामने खुल रहे हैं, कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहा है, या आप कुछ चीज़ों में होप देख पा रहे हो. स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो या कोई एग्ज़ाम देने वाले हो या कुछ इंटरव्यू वगैरह, कोई इम्पोर्टेंट काम आने वाला है फ्यूचर, लाइक इमीडिएट फ्यूचर में, या आप कोई बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ डील करने वाले हो, आप अपने बिजनेस में कोई बहुत इम्पोर्टेंट चेंज करने वाले हो. सो कोई भी इम्पोर्टेंट काम जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि दिस इज़ समथिंग जो मुझे करना है आने वाले टाइम में, आई फील लाइक कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, साथ साथ उसमें सक्सेस पाने का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है. सो अगर इस वक्त आप सच में किसी चीज़ को चाह रहे हो, उसके लिए वर्क कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, तो मेजॉरिटी 99% चांस है कि उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आपका करियर और फाइनेंसेस इस टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव है, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. काफ़ी पॉजिटिव एक एनर्जी है आपके करियर के चारों तरफ. आपको ज़्यादा आपको ज़्यादा आसानी से सक्सेस मिल रहा है चीज़ों में, आपके डील्स हो रहे हैं, क्लाइंट्स आपसे खुश है, आप काइंड ऑफ अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहे हो, या आपका मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज आपके करियर में. साथ साथ आई एम सीइंग दैट मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थे वो धीरे धीरे काइंड ऑफ ठीक हो रहा है. आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो और आप फाइनेंशियली एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप बेटर फील कर रहे हो, स्टेबल फील कर रहे हो. आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, चलो उससे मैं खुश हूँ, उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, एंड मैं ऐसा ही कुछ चाह रहा था. सो आई सी दैट कुछ विशेज़ है जो फुलफ़िल हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में वर्कआउट कर रहा है यहाँ पर, एंड आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है इन चीज़ों से. आई एम सीइंग दैट किसी के साथ आपका कुछ डील होगा या कोई आपको किसी तरह से हेल्प करेंगे, एंड इस वक्त ये पर्सन आपके करियर या मनी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाले हैं.
मे बी ये आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, मे बी ये आपको सही एडवाइस दे रहे हैं, मे बी इनके किसी सोर्स के कारण आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, बट देर इज़ डेफिनेटली अ पर्सन जो इस वक्त आपके साथ आपके करियर को आपके साथ नहीं लिटरली आपके करियर में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके वजह से आप और भी ज़्यादा सक्सेस को पा रहे हो या आप और भी ज़्यादा काइंड ऑफ स्टेबल फील कर रहे हो। बट जिन लोगों के लिए ये पर्सन नहीं है आसपास ऐसा कोई, तो आप ऐसे भी बहुत ही स्टेबल एनर्जी में रहेंगे। ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, जैसे अब्रॉड जाना या कहीं और किसी और जॉब में, कंपनी में, सिटी में शिफ्ट होना। तो कुछ लोग अगर ट्रैवलिंग से कुछ सोच रहे थे, कहीं और कुछ करना है, तो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको मिलेंगे। आई ऑल्सो सी दैट फैमिली स्टेबिलिटी या लाइफ स्टाइल कुछ चेंजेस आप कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो। सो कोई घर में आपका कुछ काम बाकी था जो आप करना चाहते थे, या फैमिली के साथ आप कहीं घूमने जाना चाहते थे, या फैमिली के लिए आप कुछ खर्चे करना चाहते थे, या फैमिली का आप फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे, वैसी चीज़ें आप फाइनली कर पा रहे हो। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, वो पैसा है, वो टाइम है, वो एनर्जी है, वो इन्फॉर्मेशन है, जो आप ये सब कर पा रहे हो। सो फिनेंशियली स्पीकिंग, करियर वाइज स्पीकिंग, मुझे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम नज़र आ रहा है आगे वर्गोस। सो एन्जॉय दिस टाइम, जितना हो सके अपना 100% दो और 100% मैनिफेस्ट भी करो, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब आप एफर्टलेसली अपने लिए नए नए दरवाजे खोल रहे हो, एफर्टलेसली आप मनी, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों को आराम से अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड चीज़ें आपके फेवर में होने लगा है। सो इस टाइम को जितना हो सके अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि कुछ टाइम से आपको फिनेंशियल दिक्कतें आ रही थी, या आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, या आप एक ऐसे जॉब में थे, एक ऐसे बिजनेस में, एक ऐसे करियर में जहाँ पर आप खुद भी खुश नहीं थे। आपको लग रहा था आप अपने काबिलियत पे मे बी सवाल उठा रहे थे या ऐसा कुछ, बट फाइनली यूनिवर्स इज़ लाइक टेलिंग यू दैट आपका समय आया है, नाउ डू द चेंजेस, डू द थिंग्स जो आप करना चाहते थे। इस नरेशन को बदलने की कोशिश करो। दिस इज़ योर टाइम, इसे आप जितना अच्छे से स्पेंड करोगे, जितना अच्छे से यूटिलाइज करोगे, आपके फ्यूचर उतना बेटर दिखेगा आपको। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव इमोशनल लाइफ, योर वर्गोज, आई डेफिनेटली सी दैट यहाँ पर कुछ रिजेक्शंस दिख रहे हैं। सो आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, या कोई आपको रिजेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी दैट आप कुछ लोगों को आउट ग्रो कर रहे हो, या आप किसी रिलेशनशिप को आउट ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इस पर्सन से आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हो, इस सिचुएशन से आगे बढ़ गए हो। ये पर्सन अभी तक आई फील लाइक ये पर्सन, अगर आप किसी से डील कर रहे हो एंड आप लोग सेपरेशन में हो, एंड आप फाइनली इस एनर्जी में हो कि मैं इससे बेटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे इस पर्सन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ने मुझे इंसल्ट किया है, या इस पर्सन ने मेरे साथ गेम्स खेला है, या वॉट्स एवर। तो वहाँ पे आपके पर्सन जो है वो भी काइंड ऑफ विदड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि वो अच्छा वर्गोज अब इंटरेस्टेड नहीं है, वर्गो कभी वापस नहीं आएगा या आएगी, वर्गो ने अपना माइंड सेट कर लिया है, वर्गो अपने लाइफ में बहुत खुश है। सो अब मेरा क्या ही ज़रूरत है, अब मैं क्यों ही जाऊँ। एंड दिस पर्सन फील्स लाइक कि कहीं ना कहीं आपने इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, इन्होंने मे बी आपको कुछ एक्सप्लेन किया हो, पर आपने उस चीज़ को बिलीव नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया, या आपने इन्हें एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। सो फॉर सम ऑफ यू, इफ दिस इज़ रेजोनेटिंग वर्गोज, ये पर्सन काइंड ऑफ फाइनली रेडी है इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज इन्हें लगता है कि 100% इन्होंने ऑलरेडी दिया है एंड फिर भी ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको दोषी मानते हैं या ये आपके ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं, बट जस्ट ये पर्सन थक चुके हैं, एंड दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू
एंड द सिचुएशन, ठीक है? और जहाँ आपकी एनर्जी भी थोड़ी थोड़ा बहुत सिमिलर है, बिकॉज़ यू फील लाइक कि आप इस पर्सन को आउटग्रो कर चुके हो, आपने इस पर्सन को बहुत सारे मौका आपने दिया है, या आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हो, एडजस्टमेंट्स किए हो, सैक्रिफाइसेस किए हो इस कनेक्शन के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यही लगता है कि इट इज़ नॉट वर्थ इट. आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी आपने आप कर रहे हो, इट इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है? तो आप ऐसे कहीं पर भी बस इमोशनली अपना टाइम एनर्जी नहीं डालना चाहते जो आपको लगता है कि प्रैक्टिकली आपके लिए अलाइनमेंट में नहीं है ये चीज़, या प्रैक्टिकली ये इस चीज़ में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आपका कोई लाइक स्टेबिलिटी नहीं हो सकता. सो आप ऐसे किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर अपना टाइम एनर्जी नहीं देना चाहते. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप विदड्रॉ कर रहे हो एंड आपके पर्सन भी फाइनली विदड्रॉ कर रहे हैं, एंड यू आर पुटिंग एन एंड टू समथिंग हियर. ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू वर्गोज, आई सी दैट जो लोग स्पेशली सिंगल हो या कोई स्पेसिफिक पर्सन से मे बी आप डील नहीं कर रहे हो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पर आप काइंड ऑफ एक बहुत ही मैन्यूपुलेटिव और आप एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोजिशन में हो. सो जिन लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, ये लोग आपके आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि इसमें एक अलग कैरिज्मा है. लाइक वर्गो जो कहता है या जो कहती है, उसमें एक अलग ही अंदाज होता है, उसमें एक अलग ही लॉजिक होता है. या आप देख सकोगे कि कुछ लोग हैं जो आपके बातों के ऊपर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं. सो आप एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करोगे. आपकी पर्सनालिटी को लोग देख के, लोगों को ऐसा लगेगा कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल पर्सन जिसे इतने आसानी से हराया नहीं जा सकता, जिसके इमोशंस को इतने आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता. वर्गों को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है. वर्गों को इम्प्रेस करने में बहुत कुछ एफर्ट लगेगा. सो आप एक डोमिनेटिंग एनर्जी में रहोगे, एंड जो लोगों के साथ आप थोड़ा सा सोशली मिल भी रहे हो या बात कर रहे हो या जस्ट कनेक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, लोग आपको बहुत ही एक डोमिनेटिंग एनर्जी में महसूस करेंगे. दैट वर्गों के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, वर्गों ने ये बोल दिया तो बस वही होगा, वो ये चीज़ करके ही रहेगा, या लोग काइंड ऑफ फाइनली एडजस्ट करेंगे आपके बातों से. अभी तक मे बी आप एडजस्ट कर रहे थे लोगों की बात सुन के, बट फाइनली लोग एडजस्ट करने लगेंगे आपकी बात सुन के, ठीक है? ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज वर्गोज, दैट कोई इंसान या कोई थर्ड पर्सन, सॉरी, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे आप वो थर्ड पार्टी हो. तो अगर किसी का भी मन में ये सवाल है कि ये थर्ड पार्टी कौन है, या क्या मेरे पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, या क्या ये पर्सन ऑलरेडी किसी से इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह, द आंसर इज़ यू आर द थर्ड पार्टी हियर. ये ऑलरेडी आपसे पहले, या आपसे पहले भी नहीं तो ये ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व्ड है, बट अभी आप थर्ड पार्टी हो, ठीक है? वो वाला कनेक्शन ज़्यादा स्टेबल है, या वो वाला कनेक्शन ज़्यादा पुराना है और समथिंग, बिकॉज यू आर द थर्ड पार्टी वर्गोस. सो इफ दैट मेक सेंस, ये बहुत ही स्पेसिफिक एक मैसेज था. मे बी किसी ने ऐसा कुछ पूछा है या मन में कुछ ऐसा फील किया है रिसेंटली, सो मे बी आपको अपना आपका आंसर मिल गया होगा इस रीडिंग में. सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर वर्गोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.